चिन्मय देशपांडे इनका सवाल है, शरद उपाध्याय जी इनका जो प्रोग्राम होता है उनके बारे में आपका क्या कहना है? भाई प्रोग्राम ये अलग बात है, प्रोग्राम वो तो करते हैं, वो बहुत विनोदी प्रोग्राम होता है, लोग बहुत हंसते हैं, मजा लेते हैं। मैं भी गया था उनके प्रोग्राम में, पूरे समय बैठ नहीं पाया, इतना अश्लील प्रोग्राम था कि ये अगर कोई बाहर की व्यक्ति कह दे तो उसको कहेंगे कि वो अश्लील है, दादा कुंड के अश्लील जोक करते थे और राशि चक्र में जो जोक होते थे वो अश्लील नहीं है, तो उसके बारे में मैं क्या बहस करूँगा। ये एक मजाकिया प्रोग्राम था, यहाँ तक की बात ठीक है। रहा सवाल शरद उपाध्याय जी का, शरद उपाध्याय जी दादर में ही अपने क्लासेस चलाते थे, ज्योतिष के क्लासेस रहते थे उनके, और मेरे मैक्सिमम प्रोग्राम्स दादर में ही होते थे, सामने सामने ही होते थे। जब बंबई में ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन हुआ तब मैंने जाहिर तरीके से आह्वान दिया था कि ज्योतिषियों ने ये शास्त्र है सिद्ध करना चाहिए, या फिर पत्रिका के आधार पर, जो हमेशा आह्वान देता हूं, कल के व्याख्यान में भी ये आह्वान मैं आपके सामने रखूंगा, यह आह्वान स्वीकारना चाहिए। उपाध्याय जी ने कभी भी आह्वान नहीं स्वीकारा। और भी बहुत सी बातें मैं बता सकता हूं, बाद में कभी जब उपाध्याय इस विषय पर बोलूंगा तब बोलूंगा। मेरे एक मित्र हैं चंद्रकांत जी बर्वे, जो दूरदर्शन के डेप्यूटी डायरेक्टर रहे हैं, उनका बहुत आग्रह था एक बार कि शरद उपाध्याय और मैं एक प्रोग्राम में साथ में आए। बहुत प्रयास किया उन्होंने, मैंने तो एकदम से हाँ कह दिया था, लेकिन उस प्रोग्राम में शरद उपाध्याय जी नहीं आए, जो मैंने पहले ही कह दिया था। और जब मैंने कहा था तब चंद्रकांत जी बर्वे ने कहा था कि मानो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कमिट किया है और वो आने वाले हैं। मैंने कहा जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं जानता हूँ वो नहीं आएंगे, आपको कमिट करने के बाद भी नहीं आएंगे, नहीं आए। अब क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए, क्यों नहीं फेस करना चाहते थे, ये इसके बारे में आप ही उनसे पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। रहा सवाल उनके राशि चक्र का प्रोग्राम का, तो वो एक विनोद का प्रोग्राम है, इससे ज़्यादा उसको महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। और रहा सवाल कि अगर उनका कहना है कि ये भविष्य कथन बहुत महत्व का है और भविष्य कथन किया जा सकता है और भविष्य कथन बहुत सटीक होता है, तो उसके लिए तो ओपन चैलेंज है, जो कल के प्रोग्राम में मैं बहुत विस्तार से आपके सामने रखने वाला हूँ, और ये आज का आह्वान नहीं है। 1985 में ज्योतिष सम्मेलन था, अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन जो महामंडल है उसके जरिए आयोजित किया हुआ पुणे के टिळक स्मारक मंदिर में, तब से मैं ये देते आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोज़ का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।